देखिए भाई लोगों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जो शिव जी का मंदिर है, और ये लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर दूर और रायबरेली से भी 45 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। ये सामने आप देखिए गेट पे लिखा हुआ है श्री भवरेश्वर धाम, श्री गणेशाय नमः, श्री भवरेश्वर धाम। और सामने मंदिर आप देख सकते हैं। चलते हैं, धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बहुत सारे वानरों को चना वगैरह दे दिया है, चना वो खा रहे हैं। आगे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी ये भी मंदिर जो है यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगती है। अभी शिवरात्रि का माहौल था, उसमें काफ़ी मेला यहाँ पर लगा था, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए दुकान सजी हुई है, यहाँ से लोग लोटा लेते हैं जल चढ़ाने के लिए। और फिर ये द्वार है भवरेश्वर धाम का, एक इधर से है और एक दूसरी साइड से भी है, तो लोग उधर से भी जाते हैं और इधर से भी आते हैं। शिवरात्रि के और सावन में यहाँ बहुत भीड़ लगती है, लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना होता है। शंकर जी की बड़ी यहाँ पर मान्यता है, ये आप देख सकते हैं सामने भवरेश्वर का मंदिर। काफी ऊंचा मंदिर बना हुआ है, अभी अंदर चल करके आपको दर्शन कराते हैं शिव जी के। शिव जी का शिवलिंग आप लोग देख सकते हैं। ये नंदी जी का मूर्ति रूप यहाँ पर स्थापित है, सामने शिव जी के सामने नंदी जी। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। ये देवी जी का मंदिर है, अंदर देवी जी विराजमान है। यहाँ पर पशु का बहुत बड़ा मेला लगता है। पशुओं का मेला का मतलब है कि कई तरह के पशु, गाय की कई प्रजातियां यहाँ पर ला करके लोग बेचते हैं उनको, और दूध के लिए, व्यापार के लिए गाय है, भैंस है, तो पशुओं का यहाँ मेला काफ़ी बड़ा मेला लगता है। और ये मेला और ये मंदिर इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये भवरेश्वर का मंदिर। और इस मंदिर का भी काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पर जो जहाँ तक मैंने सुना है कि इस शिवलिंग को अंग्रेज के शासन काल में इस शिवलिंग को उखाड़ा जा रहा था, परंतु जो उखाड़ने वाले थे शिवलिंग को, वो उनका प्रयास असफल रहा और ये शिवलिंग वैसे के वैसे यहाँ पर स्थापित है। और ये स्वयंभू है, यानी ये शिवलिंग की स्थापना नहीं कराई गई है, ये स्वयंभू है,
ये स्वयं से जमीन से निकली हुई शिवलिंग है, ये भूमि से स्वयं निकली हुई शिवलिंग है, ये आप नजदीक से देख सकते हैं। यहाँ के शिवलिंग के बारे में ये कथा प्रचलित है कि बहुत समय पहले कोई गाय चराने वाला यहाँ पर गाय चरा रहा था, तभी गाय उसकी गाय मिल नहीं रही थी, वो गाय कहीं चली गई, तो वो गाय ढूंढते ढूंढते जब आया उसने देखा कि उसकी गाय एक जगह पर खड़ी है और अपने आप गाय से दुग्ध धारा निकल रही है। उसके बाद जब वो गाय चराने वाला अपने गाय के पास गया, उसने देखा कि उसकी गाय स्वतः ही दूध बहा रही है, तो उसने देखा ये दूध जा कहाँ रहा है, तब उसने गाय के नीचे देखा, उसके थन के नीचे देखा तो दूध गिर रहा था, और उस जो दूध गिर रहा था वो एक शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था, वो शिवलिंग कोई और शिवलिंग नहीं बल्कि भौरे सुरंग का ही शिवलिंग था। तब से यहाँ पर लोगों ने मंदिर बनाया और उस शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ किया, और तब से लेकर आज तक यहाँ पर इस शिवलिंग की पूजा हो रही है, और शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ता है और कई प्रकार से इस शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। लोगों की काफ़ी मान्यताएँ हैं और ये काफ़ी गांव के अंदर स्थित मंदिर है, कोई शहर से ज़्यादा पास में भी नहीं है, गांव क्षेत्र लगता है यहाँ पर। उसके बावजूद यहाँ पर लोग बहुत ही संख्या में आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करके यहाँ से जाते हैं। तो आप लोग भी जब भी मौका मिले तो भौरी सुरंग जरूर आइए, यहाँ पर वानरों की बहुत संख्या है और वानरों के लिए कुछ खाने के लिए जरूर लाइए, काफ़ी भूखे यहाँ पर वानर सेना रहती है। तो आज आपने ये भौरी सुरंग का मंदिर के दर्शन किए, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।